वेलकम बैक। HSBC बैंक ने अपना कैशबैक जो क्रेडिट कार्ड है उसको रीब्रांड करके मार्केट में वापस से रीलॉन्च किया है। तो इसमें कुछ बेनिफिट्स हैं, उनमें चेंजेज किए हैं, तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि क्या क्या चेंजेज HSBC क्रेडिट कार्ड पर किए गए हैं और HSBC कैशबैक क्रेडिट कार्ड का नाम बदलकर क्या कर दिया है। तो पूरी जानकारी दूंगा इस वीडियो में, तो बने रहिए मेरे साथ अंत तक। मैं हूँ धीरज, आप देख रहे हैं टेक धीरज। और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें, जिससे आने वाला हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो टाइम से आप तक पहुंचता रहे। HSBC कैशबैक क्रेडिट कार्ड जिसका नाम बदल कर दिया है HSBC लाइव प्लस क्रेडिट कार्ड। इसको जैसे ही नाम चेंज किया है तो इसमें बेनिफिट्स में भी कुछ चेंजेस किया है। अगर आप इस क्रेडिट कार्ड से ग्रोसरी, डाइनिंग और ऑनलाइन पे स्पेंड करेंगे तो आपको 10% तक का कैशबैक मिलेगा इस क्रेडिट कार्ड पर, और हाईएस्ट आप एक महीने में 1,000 रुपये तक का कैशबैक इन कैटेगरी पर ले पाएंगे। इनके अलावा अदर सभी कैटेगरी पर आपको 1.5% का कैशबैक मिलेगा। 15 जुलाई 2024 के बाद HSBC का कैशबैक क्रेडिट कार्ड जिन लोगों के पास है और जिनका एक्सपायर होने वाला है उनको न्यू क्रेडिट कार्ड लाइव प्लस क्रेडिट कार्ड मिलना स्टार्ट हो जाएगा, और जो नए अप्लाई करेंगे उनको HSBC लाइव प्लस क्रेडिट कार्ड मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर इंटरेस्ट रेट जो आपको लगता था उसमें कुछ चेंजेज किया गया है। पहले आपको मंथली 3.5% का मंथली इंटरेस्ट लगता था, अब वो बढ़ाकर 3.75% कर दिया गया है। अगर आप HSBC लाइव प्लस क्रेडिट कार्ड से स्पेंडिंग करके उसके ड्यू का टाइम से पेमेंट नहीं करेंगे तो उस पर आपको मंथली 3.75% का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। इसके अलावा यूटिलिटी बिल पेमेंट और EMI ट्रांजेक्शन पर आपको कैशबैक नहीं मिलेगा इस क्रेडिट कार्ड पर। बाकी सारे जो बेनिफिट्स हैं एज इट इज सेम रहेंगे, जो HSBC कैशबैक क्रेडिट कार्ड पर थे वही HSBC लाइव प्लस क्रेडिट कार्ड पर रहेंगे। तो जो चेंजेज हुए थे वो इस वीडियो में मैंने आपको कवर कर दिए हैं। इससे किन किन लोगों को क्या फ़र्क पड़ा है वो कमेंट कर ज़रूर बताना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।